हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल मेरा नाम पाठक एंड ऑफ कोर्स इट हैज बीन वेरी लेट कि हम YouTube पे नहीं आ पाए बीच में बिकॉज वी हैड सम स्टूडेंट्स आवर हैसेस और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जिनने हम पर ट्रस्ट किया है तो एटलीस्ट उनके उम्मीदों पर खड़े उतरे लेकिन ऑफकोर्स आपको पता होगा कि बहुत सारे कंटेंट्स एक साथ में देना और सब कुछ टाइमली सेट करना और मल्टीपल टीचर्स को मैनेज करना क्वाइट चैलेंजिंग हो जाता है सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइव आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन एंड ऑफकोर्स सेशन इज ने 50 डेज कोर्स गाइड मतलब उस कोर्स में जिन बच्चों को वो दिक्कत हो रही है उनके लिए भी है और प्लस अगर आप सब स्टडी कर रहे हैं तो भी आप कैसे मैनेज करें वो भी हम लोग इसी लेक्एंगे अक्टूबर अट्ठारह उन्नीस अक्टूबर को होने वाले एग्जाम यानी परीक्षा के लिए हमारे पास में यानी औसतन पचास प्लस दिन है और उनको कैसे यूज किया जाए अगर आप कोर्सेज में हैं एज यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट देर आर नंबर ऑफ क्लासेस बींग अपलोडेड डे यानी कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास में एक जीएस की क्लास एक से दो जाती है यानी दो लगभग जीएस की क्लास जाती है करंट अफेयर्स की एक क्लास जानी रहती है लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाती है लेकिन कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स भी रहे फिर आप जानते होंगे कि इंग्लिश की एक घंटे की क्लास जाती है एक से सवा घंटे की मैथ्स की भी एक घंटे और रीजनिंग की भी एक घंटे तो एटलीस्ट आपको देख रहा होगा कि लगभग तीन तीन छह घंटे की क्लास हो जा रही है दैट इज गेटिंग प्वाइट हैक्टिक फॉर यू गाइज तो जिन लोगों ने पर्सनली हमारे पास में कम्युनिकेट किया उनको तो शायद सोल्यूशन मिला होगा लेकिन कुछ और भी तरीके और टिप्स हैं ताकि आपको क्या हो बर्डन ना हो क्योंकि हमने आपसे बोला है चार से पांच घंटे रेगुलर तो अगर छह घंटे की क्लास है तो चार से पांच घंटे रेगुलर में आप कैसे कवर कर पाएंगे राइट right? तो कभी नहीं हो पाएगा वैसे अगर तरीके से देखेंगे कि हर लेक्चर आपको करना है तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि यू हैव टू अवॉइड लाइव लेक्चर अवॉइड लाइव लेक्चर एंटिल इट इज नेसेसरी एवॉइड लाइव लेक्चर्स अंटिल इट इज नेरी यानी अगर आपको आवश्यकता है आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे डायरेक्टली पर्सनल डाउट्स पूछने हैं देन यू शुड बी गेडिंग इन द लाइव सेक्शन अगर आपको लगता है ये टॉपिक मेरा बढ़िया है देन यू कैन भी वॉचिंग रिकॉर्डेड क्लासेज जो कि आपका समय बचाएंगे और आप उसको वन पॉइंट फाइव एक्स और जहां भी अननेसरी टॉक्स हैं दट मीन्स डायलॉग्स फ्राम स्टूडेंट्स उसको आप स्किप करके थोड़ा सा आगे कर लेंगे और समय आपको बच जाएगा ये तो हो गई बात की आप लाइव लेक्चर्स एवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कि आपका कोई टॉपिक बढ़िया से तैयार है फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक बेसिक चीज है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सीरीज सिक्वेंस एंड सीरीज इज इन रीजनिंग या फिर मान लेते हैं टाइम एंड वर्क इन मैथमेटिक्स ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है आपका पहले से तैयार है या कुछ हद तक आइडिया है देन वॉट यू कैन डू यू कैन जस्ट गो फॉर द लेक्चर पीडीएफ जस्ट गो फॉर लेक्चर पीडीएफ लेक्चर पी डी एफ आप देखेंगे और लेक्चर पीडीएफ में ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चन होते हैं अगर ये थर्टी क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर दे जो एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उसको मार्क करते जाएक्चर एंड देन ओपन द लेक्चर एंड जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू दैट पार्ट और आप अपना समय बचा पाएंगे ओके okay? तो पहली बात तो क्या करनी है एक तो लाइव लेक्चर ना देखकर रिकॉर्ड देखें और अगर वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और पहले से आपको कुछ हद तक तैयार है जैसे आपको लगता है कि मैंने पढ़ा आई आई नो दिस पर्सनली कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो लगातार चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन टेक बैकग्राउंड के हो दे मस्ट हैव बीन अपीयरिंग फॉर सम एग्जाम्स है आपने कुछ ना कुछ एग्जाम्स दिए होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा लेकिन हां उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको यानी क्लासेस भी देखनी पड़ेगी तो इस्टेड ऑफ गोइंग गो लाइव यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड और जो नेक्स्ट सेशन लाइव हो उसमें जो डाउट्स आए हो वो भी आप पूछ पाएंगे ओके तो क्या करना है आपको लेक्चर पीडीएफ देखा थर्टी क्वेश्चन उसमें जो लगभग रहते हैं अप्रॉक्सिमेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करी और उसमें जहां जहां डाउट आई उसको आपने प्ले करके आपने उसको देख लिया ट्राई टू वॉच द लेक्चर एटलीस्ट फॉर टू मिनट्स सो दैट काउंटेड है न? ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो पाए इसके बाद में क्या करना है एटलीस्ट आपको थर्टी क्वेश्चन असाइनमेंट के करना है, के करने है. Sectional mock. Sectional mock. और में किसी किसी में थर्टी फाइव या फोर्टी क्वेश्चन एज पर सिलेबस आपकी गिवेन है इसको जरूर करना है देर इज टाइम कंस्ट्रेंट इन द सेक्शनल मॉक वहां पर एक टाइम लिमिट रखी होती है थर्टी मिनट्स की तो अगर आपको लगता है कि आप न्यू कमर है न्यू बिगिनर हैं उस टॉपिक में देन ऑफ कोर्स जस्ट अटेम्प्ट वन क्वेश्चन एंड देनिट इड उसको सबमिट कर दें सबमिट करने के बाद में सबमिट करने के बाद में व्यू एनालिसिस में जा करके आप एक एक क्वेश्चन को आराम से भी देख सकते हैं अगर आप बस टाइम कंस्ट्रेंट आप फॉलो नहीं कर पा रहे यानी तीस मिनट में उतने क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से शुरुआत में तो नहीं हो पा रहे होंगे राइट तो ऐसे में क्या करना है आप दोबारा से सोल्यूशन में जाकर के आराम से क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए करते हुए चल सकते हैं हो सकता है घंटे लग जाए लेकिन डजन मैटर दो दिन में लगभग हम लोग एक चैप्टर पर सब्जेक्ट कवर करते हैं यानी कि ऑन एवरेज ऑन डेली बेसिस टू चैप्टर्स यू हैव टू टू कवर चैप्टर्स का मतलब एटलीस्ट हैंड्रेड क्वेश्चन शुड बी डन बाय योर साइड तो पहला काम आपका जो लेक्चर पीडीएफ में क्वेश्चन है दूसरा काम आपका असाइनमेंट में जो थर्टी जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चन आप कर लें तीसरा काम आपका सेक्शनल मॉक कर लें इतना करने के बाद आप अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड क्वेश्चन उस टॉपिक से कर चुके होंगे

उसको भी आप कर सकते हैं मतलब प्रयास करना है लेक्चर पीडीएफ देख करके क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक है क्योंकि उसमें तो सोल्यूशन भी रहता है तो समझ में आ जाता है काम भर का लेकिन अगर किसी किसी में डाउट हो रही है मार्क दैट एंड देन वॉज लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड टू दैट और उसके बाद में आपको करना है असाइनमेंट के क्वेश्चन जो किस तीस करने हैं पूरे नहीं तीस करने वो आपकी चॉइस है आप कौन से कर रहे हैं और उसके बाद में आपको करने हैं सेक्शनल मार्क्स ओके एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे दो चार छह क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो शायद लेक्चर में डिस्कस नहीं हुए हैं लेक्चर में जैसे टाइप के डिस्कस नहीं हुए हैं तो एटलीस्ट वो कोर्सेज में है देन यू कैन फॉर ऑफ्टॉर देशन स्कैनर या फिर आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं या फिर अगर तब भी दिक्कत आ रही है देन वी विल बी इंक्लूडिंग क्वेश्चन इन द लेक्चर सेशन ओके कहीं भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में आ रही सर इसका सोल्यूशन गलत है तो मोस्ट ऑफ द केसेज आई फाउंड दैट की वो क्वेश्चन सही रहा है बस हो सकता है कभी कभी कि आप नए हैं कोशिश कर रहे हैं तो गलतियां हो जाती हैं कि आपको लगता नहीं ये तो गलती हो गई है या ऐसा कुछ तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो सही निकलता है लेकिन हो सकता है काफ केसेस में कि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन हो हो में तो ऐसे को आप हमारे में लाएंगे संभावना वैसे ना के बराबर रहती, लेकिन हमने देखे क्वेश्चन टोटल इंटायर सीरीज जो अपडेट हुए हैं क्वेश्चन मतलब और एक हमने देखा है असाइनमेंट e में एक क्वेश्चन गलत निकला है तो अफकोर्स ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है चाहे हम कितना भी कोशिश कर लेंगे जब हजार क्वेश्चन जाएंगे उसमें एक आध क्वेश्चन जल्दी से बाई टाइपिंग मिस्टेक या जो टाइपिस्ट टाइप कर रहा है या अपलीकेशन ग्लिच की वजह से एक आध क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है बाय मिस्टेक गलत हो जाए तो उस पर घबराने की बात नहीं है उसको मार्क करें नोट डाउन करें कम्युनिटी में शेयर करें एंड देन ऑफकोर्स वी विल भी टॉकिंग टू दैट कम्युनिटी में टोटल चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि असाइनमेंट चार पांच के आपको लगता है दस के आसपास आए हैं जो असाइनमेंट से हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं अरे सारा दस दस क्वेश्चन सर गलत हो गया ऐसा सोचने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सही हैं दस क्वेश्चन आपको लगे हैं गलत हुए उसमें भी मिला कितना है दो या तीन क्वेश्चन बड़ी हार्डली मिलता है बिफोर रेजिंग क्वेश्चन यू शुड बी फॉलोइंग दिस स्ट्रेटी फर्स्ट इस स्ट्रैटेजी को पहले फॉलो करना क्योंकि आई हैोइंग थ्रू द अपलीकेशन एंड फाउंड दैट की ज्यादातर बच्चों ने मतलब लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट बच्चों ने अभी बैकलॉग क्लियर नहीं किया है नाइन्टी फाइव क्या नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों ने बैकलॉग नहीं क्लियर किया है यानी ज्यादातर लोगों ने लेट से एडमिशन लिया या कुछ भी जो भी आपके पर्सनल कॉज रहे हैं तो कोशिश करिए धीरे धीरे करके उसको कवर कर ले आपके पास ज्यादा प्रेशर है ज्यादा काम है और ऑफ कोर्स मैं कंटेंट तो देना ही है मुझे हर हालत में देना है बिकॉज आई हैव रनिंग द कोर्सेस और मुझे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना है तो जाहिर सी बात हमें हर चीज देनी है लेकिन आप इसके लिए बाउंड नहीं है कि आपको हर चीज जबरदस्ती पढ़ाया ही जाए आप वो कोशिश कर सकते हैं जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं एंड ऑफ कोर्स आई विल बी गाइडिंग यू टाइम टू टाइम कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं उन टॉपिक्स पर आप ज्यादा मेहनत करेंगे और जिन जिनपे आपको लगता है कि आपके पास एक प्रीवियसली बेटर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है देन यू कैन ऑफकोर्स चूज इट बाई असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ एंड द क्लासेस And the, uh, marks, okay? तो इन चीजों से करेंगे तो काम बन जाएगा अब बात आती है सर, भी आप सब e कुछ करने कुछ की कोशिश करें या दिन बारह घंटे पढ़ के बीमार हो जाए ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है आपका प्राइम एम जब होता है कभी भी शॉर्ट में, में आप देखेंगे कि जब कभी भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई कोर्स कवर करना होता है दैट मीनस यूर ऑब्जेक्टिव टू बी ऑन प्रैक्टिस सेशन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को और उसमें से जाहिर सी बात है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग 50 परसेंट गलत हो जाता है सवाल सेकंड अटेम्प्ट करते हैं यानी दोबारा जब ट्राई करते हैं तो लगभग के आसपास आता है एंड ऑफकोर्स अगर साठ से सत्तर आप अभी कर पा रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसमें घबराना नहीं उसमें अपने आपको थोड़ा सा ऑनर करना है रिवॉर्ड करना है खुद को थोड़ा सा टहल के आइए थोड़ा सा घूम करके आइए स्ट्रेस और पानिकिंग बिल्कुल मत करें अगर आपके आसपास कोई बच्चा पैनिक करता हुआ दिखाई दे कोशिश करें कि उसको थोड़ा शांतवना दें इंस्टेड ऑफ उसको और ज्यादा प्रवोक करने के नेक्स्ट थिंग यूट्यूब पे मैं रेगुलर अवेलेबल नहीं हो पाता हूं तो अगर कभी भी आपको आपके साथ वाला साथी कहीं यूट्यूब पे ऐसे वैसे कमेंट करता दिखाई दे जो कि ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कभी नहीं करते हमारे बच्चे कभी नहीं किए हैं रिकॉर्ड रहा है बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई गलती है हमसे भी कहीं हो गई हो मैं उसका कॉल अटेंड नहीं कर पाया हूँ या कभी आप समझ सकते हैं कि इतने सारे बच्चों का कॉल डेली पर्सनल लेवल पे नहीं अटेंड किया सकता कई बार तो दो दिन दिन डिले हो गई है तो ऐसे में अगर कहीं भी कोई कमेंट करता रिला दिखाई दे आपको देन ऑफकोर्स अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे रिप्लाई करके उसके थोड़ा सा डाउट को कम कर देंगे तो थोड़ा सा वो अपने कोर्सेज पे ध्यान दे पाएगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम होगा और ऑफकोर्स वो बढ़िया से काम कर पाएगा ऐसा क्या होता है कि जब उसको हमारे ऊपर बिलीफ कम होगा कोर्स बिलीफ अगर कम होने लगेगा तो जाहिर सी बात पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम कम है असली मुद्दा जो है वो है समय समय इंपॉर्टेंट है ना कि कंटेंट या कंटेंट में होने वाला डाउट कंटेंट में होने वाला डाउट हो सकता है एक दिन में दो घंटे में दस घंटे में या दूसरे दिन तक रिजोल्व हो जाए लेकिन जो आपका समय हो दोबारा लौट के नहीं आएगा तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए जहां डाउट है नोट डाउन करें जहां डाउट है नोट डाउन करें एंड जो पढ़ाया गया है जो आप कर सकते हो यू शुड बी डूइंग दैट यू शुड बी डूइंग दैट और जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो साइड में करते रहे कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं आप अप्लीकेशन पर स्कैन कर सकते हैं आप वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग इसे देखो आपने कहा कि सर मैं कम्युनिटी में पूछता हूं बच्चे जवाब नहीं देते तो कम्युनिटी में आप डालोगे फिर देखोगे कोई जवाब दे रहा है कि नहीं एक एक घंटे आप वेट कर रहे हो क्वेश्चन के चक्कर में अगर उसको सीधे से कॉपी करके गूगल पे डाल दोगे एग्जैक्ट सेम वर्जन नॉन टेक का हर क्वेश्चन लगभग ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप देखोगे उसका सोलूशन तुरंत मिल जाएगा विद विदिन मैटर ऑफ फाइव मिनट्स पांच मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी जो क्वेरी होगी सेटिस्फाई आपको हो जाएगी तो इंस्टेड ऑफ की बहुत ज्यादा एक्टिव होना क्योंकि कम्युनिटी में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें आप एक्टिव हो जाएंगे आप हाँ कहेंगे कोई ना कहेगा फिर आपसे लड़ेंगे फिर कोई बात होगी और आप देखता हूं मैं कुछ बच्चों को पूरे दिन ऑल टाइम ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वो टेलीग्राम चैनल पे एक्टिवेट हैं पूरे एक्टिव मोड में हैं तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा यूटिलाइज करिए कोशिश करिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन बेस के लिए रखें है ना आपने देखा होगा किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चों का अपना डिस्कशन ग्रुप इंस्टीट्यूट का नहीं होता है अनटीलोनलेस अगर ग्रुप उसमें इंस्टीट्यूट ही नहीं है आप अलग से बना ले तो अलग बात है अदरवाइज कभी नहीं होता और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा कि जिसके अंदर से कोई ना कोई कमी बच्चा निकाल ना पाए जाहिर सी बात है आप डे नाइट कितना भी वर्क करेंगे कमी आएगी और वो कमी वो ग्रुप में डालेंगे तो इसीलिए आप देखोगे जितने भी चैनल्स होंगे जो किसी भी इंस्टीट्यूट के होंगे उसमें कमेंट सेक्शन नहीं होगा लेकिन अपने सेक्शन में मिलेगा अपने चैनल पर ऑल दो मैं देख नहीं पाता हूँ लेकिन इतना रिस्क में लेता हूं कि अगर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म नहीं है मुझे भी रिस्क लेना पड़ेगा ना कि अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन है आप हमारे साथ में काम नहीं कर पा रहे देन ऑफकोर्स आपकी अगर मान लो आपने कॉल किया नहीं सुन पाएं तो कम से कम आप पोस्ट कर सकें अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकें तो आप यूट्यूब पर सारे वीडियोज पे कमेंट हमेशा ऑन रहेंगे कोई कमेंट जल्दी डिलीट नहीं होती अनटिल ऑनलेस वो कोई अब इश्यू या किसी को हरास करने वाली टाइप की हो तो डिलीट हो जाती है वो भी मैं लेट हो जाता हूँ डिलीट करने में भी दो दो तीन दिन, दिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आपको पता है सारी चीज़ें यहाँ की भी लेकिन आप कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकते हैं आप चैनल के भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं कर सकते हैं आपकी कोई भी दुविधा हो वी विल बी ऑलरे ऑलवेज बी ऑल यूर्स टू यू बस समस्या ये हो जाती है कभी कभी समय नहीं मिल पाता है तो एक आध दिन की डिले हो जाती है और मुझे पता है आप लोग बहुत पेशेंट हैं और आप लोग सपोर्ट करते भी हैं हर एंगल पर कई बच्चे तो रात में एक बजे से छह बजे के बीच मोन करते हैं कि सारी चीजें हमें आप खाली रहते हैं फिर मेरा आज तो नींद का टाइम जो हुआ दस बजे में सो पाया और जैसे ही मैं उठा उठाऊं इंस्टेड ऑफ गेटिंग द ब्रेकफास्ट मैं तुरंत पहले इसी पे आया कि भाई इतने दिन हो गए यूट्यूब पे नहीं गए हैं और आप लोग बहुत परेशान होंगे तो लेट्स डू सम टास्क कि आपकी चीजों को हम समराइज कर लें थोड़ा सा आपकी क्वेरीज को डाउन 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 कर लें कि देखो नॉन टेक का कोर्स बहुत वास्ट होता है एवरीबडी नोज दैट केवल इंग्लिश कवर करने के लिए महीने चाहिए होते हैं केवल मैथ्स कवर करने के लिए छह महीने चाहिए होते हैं अच्छे से अगर पढ़ना है तो तो इतने कम ड्यूरेशन में आपको स्कोर करना है क्वालिफाई करना है हाउ कैन वी डू दैट एंड हाउ वी हैव बीन इवन एबल टू डू दैट यानी अभी तक जितने सिलेबस जितने भी कोर्सेज हुए उसमें इतने सक्सेस रेशियो कैसे आए क्योंकि वो भी तो कमजोर बच्चे रहे हैं कई सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे रहे हैं। एक एक के नाम में गिरा सकता हूं कौन कौन से बच्चे रहे तो इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा तो नो डाउट किया सकता है कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो सकता है नहीं कर पाए और अगर आप थोड़ा सा रदम बना के चलें स्लो एंड स्टडी बट On a basis, बिना अगर आप करेंगे अगर नहीं मैं बात कर पाया तो मैं एक सेशन एटलीस्ट कर दूंगा इसे दस से ज्यादा लोगों की इसमें आए तो मैं उसकी सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ओके तो पहली बात क्या हुई लाइव लेक्चर एवॉर्ड करें रिकॉर्ड सेक्शन देखें और अगर रिकॉर्डेड नहीं पहले लेक्चर पीडीएफ देख लें काम बन जा रहा है देन ऑफ कोर्स जहां दिक्कत हो रही है, उसमें फास्ट फॉरवर्ड करके वो लेक्चर देख लें देन असाइनमेंट्स की एटलीस्ट तीस क्वेश्चन करें और उसके बाद मॉक करें मॉक करने के बाद में आप रिलैक्स हो जाए वो चैप्टर कंप्लीट है देन आफ्टरवर्ड्स ये भी ध्यान रखनी है कि एग्जाम से पंद्रह दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस सेशन कराते हैं इसमें हम लोग शॉर्ट बाइट्स देते हैं जैसे आपको नदियों के नाम एक बाइट में काम खत्म हो गया सारा न्यूज में आ गया जितना भी प्रीवियस ईयर में आ सकता है साइंस का टॉपिक वाइज में बाइट्स मिल जाता है लास्ट में तो उसमें क्या रहता है कि आपका उसी में काम बन गया क्योंकि हम लोग उस समय कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं तो कोर्स का प्रेशन नहीं होता अब डेली में कंटेंट हम क्या 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 देंगे रिविजन नोट देंगे फॉर्मुलाई बुक्स देंगे है ना ग्लिम्स देंगे जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आपको गलती से ऑन हो गया था मतलब उसमें पेड वाला फ्री होला हो गया था तो उसमें आपने देखा होगा फिजिक्स वाले में एक नीचे लास्ट में चैप्टर मिल गया था जिसमें रिविजन नोट्स करके था जिसमें समरी शीट्स थी जिसमें माइंड मैप्स थे ब्रेन चार्ट थे बाइट्स थे है ना ई बुक्स थे तो ये सारी चीज़ें बहुत कंसाइज हो जाती हैं छः सात पेज में आपका रीजनिंग पूरा रहता है और बहुत कॉन्फिडेंस हो जाए कॉन्फिडेंट रहेंगे आप उस समय घबराहट पूरी खत्म हो जाएगी बस ये शुरुआत में जाहिर सी बात है आप जीरो से हो अभी आप ट्वेंटी थर्टी परसेंट ही कर पाए हो इतने दिनों में है ना और जाहिर सी बात है शुरुआत में आठ दस दिन लेट आप लोग आए भी काफ़ी लोग लेट आए जो पहले से भी आए वो भी रदम बनने में थोड़ा सा एक बॉन्ड बनने में टाइम लग जाता है है ना अब जाकर के आप लोग को थोड़ा सा ये लगा कि हाँ वी आर एट अ गुड प्लेस तो धीरे धीरे करके सब कुछ होगा है ना बढ़िया से होगा इसकी मेरी गारंटी रहेगी आपको मेरी मतलब पूरी तरीके से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने काम का और ये भी आशा करता हूँ कि अगर कहीं भी गलती ऊपर नीचे हो तो अंटिल ऑनलेस यू हैव टॉक टू मी पहले तो हमारे नज़र में लेके आए उसको हम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी ध्यान रखना है टीम छोटी है बहुत सारा काम पूरा दिन पर पड़ता है आपको ये भी पता है कि रात में अगर पूरा दिन काम भी होगा रात भी काम होगा तो आदमी सोएगा भी दो चार घंटे तो अगर आप उसको लगा अगर आप उसको एज्यूम कर पा रहे हो बढ़िया समझ पा रहे होंगे तो दट मीन्स की आप में मैसेज करोगे दो दिन में हम उसको देखोगे रिजोल्व कर ही देता हूँ तो ये इशू रही है जो भी वो सॉल्व हुई है और अगली बात यह है कि ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते जाना है क्लियर हो गई इतनी बात बहुत आराम से कवर हो जाएगा पाँच घंटे रेगुलर बेसिस के आपके होने चाहिए उससे ज्यादा जा रहे हैं इसका मतलब आप हर एक क्लास लाइव लेने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट आप बीमार होंगे सक्सेसफुल नहीं केवल बीमार होंगे अगर हर क्लास लाइव आप लेते रहेंगे जो क्लास आपका कमजोर है फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका जीएस इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश क्लास लाइव करें या बाद में रिकॉर्डेड देख लें थोड़ा सा टू एक्स की स्पीड लगा के डेढ़ एक्स स्पीड लगा के जितने भी आप कंफर्टेबल हो जहां जहां डाउट आ रही प्रैक्टिस करें उसकी शीट्स की लेकिन अगर आप हर क्लास पाँच बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बज जा रहा है पर परसों साढ़े बारह बजे रात में तो अगर आप इतने लंबे आठ आठ घंटे की क्लासेस लाइव करेंगे देखो मेरी तो समस्या है कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं वो चीज जो प्रॉमिस किया हूं दूं आपको लेकिन आपकी ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर लाइव चल रहा है तो आपको सारा लाइव देखना है गेट पॉइंट क्योंकि संभव ही नहीं है कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाना दो दो महीने में अगर आप चाहोगे कि एकदम बढ़िया लेक्चर पीडीएफ टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन के साथ मिल जाए ये कभी नहीं होता है हैड बीन कभी कभी रहा भी नहीं है किसी भी कोर्स में हमारे रहता क्या है ये चीज रहती है कि लेक्चर पी आप देखेंगे असाइनमेंट करेंगे सेक्शनल मॉक्स देंगे बस इतना काफी होता है और इतने से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और आप आराम से हमारे साथ में कैरी ऑन कर पाएंगे और यही बात मैं आपको साझा भी करता हूं वीडियोस वो देखने हैं जहां पे डाउट हो कम बच्चे आते हैं लाइव में हमें हाथों नहीं होती कि चलो हमारे क्लास में दस ही बच्चा लाइव बट कोई दिक्कत नहीं होती हमें पढ़ाते हैं उतनी शिद्दत से सारे टीचर उतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं एंड अगर किसी क्लास में आपको अप्स एंड डाउन मिले देन ऑफ कोर्स आई एम देयर आपने एक बार कहा हमने तुरंत टीचर, टीचर बदला है अपने दोबारा कहा हमने तुरंत टीचर बदला है विदिन टू डेज हाँ थोड़ी समस्या हो जाती है एक दो दिन तो लग ही जाता नया टीचर बदलने में तो कोशिश करें कि देखो अगर टीचर बार बार बदलेगा तो आपको दिक्कत होगी कोशिश करें कि जब तक संभव हो टीचर कंटिन्यूअसली बना रहे वही रहे है ना बदलने ना पाए हाँ अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही हैं देन एट द टाइम आई एम ऑलवेज देयर ठीक है आपने इस चीज़ को बहुत करीब से अनुभव भी किया है एंड ऑफ कोर्स फॉर रिफंड पर्पजेज मैं आपको बता दूं मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है और मुझे लगता है तो मैं उसको रिफंड करता हूं मुझे लगता है मतलब नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द केसेज मैं कर भी देता हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट का कमर तोड़ने पर आ जाएंगे तो ये असंभव है कि आप के हमारे साथ खड़ा आप, आप, के साथ मुझे खड़ा हो पाएंगे होता हो पाएंगे डू गेट माई पॉइंट रिफंड होते हैं जैसे आज हमने आपको कई बार कहा है क्लासेज में कि अगर आपने कोर्सेज पहले डेमो देखिए समझ लीजिए उसको फिर परचेज करिए अगर आपने परचेज कर भी लिया है देन after, of देर इज थर्टी सिक्स आवर्स विंडो छत्तीस घंटे की आपके पास विंडो है कि उसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कहीं भी दिक्कत आ रही है देन यू शुड आस्किंग शुड बी आस्किंग फॉर द रिफ्रेंस और वो ऑलमोस्ट हम लोग कर देते हैं अगर मान लीजिए हफ्ते भर हो गए ऐसे कुछ दिक्कत आ गई कि हफ्ते भर में आप नहीं समझ पाए फिर आपको लग रहा है कि सर में टाइम तो टाइम वेस्ट मत करिए हम कहते हैं कोई भी कोर्स ले रहे कहीं भी समय इंपॉर्टेंट है कोर्स और पैसा नहीं तो आप अगर थर्टी मतलब छह दिन में सात दिन में भी हमसे कहेंगे मतलब कोशिश करिए चार पांच दिन में अगर हो जाए तब भी हम कोशिश करते हैं आपको रिफंड करने बस ये टैक्सन अमाउंट है, जाता है पे गेट वे चार्जेस दस परसेंट का जो आठ परसेंट का साढ़े आठ परसेंट जो अपलिकेशन कॉस्ट होता है रेवन्यू बेसिस प्लस पांच परसेंट टेक्निकल फीस लगती है मतलब पैतीस से चालीस परसेंट के बीच मेंडेक्ट होकर सिक्सटी परसेंट तक आपको रिफंड मिलता है मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट है लेकिन ये नहीं कि हम पूरा अपना काम छोड़ के फिर रिफंड पे लग जाएंगे जाहिर सी बात है एक दो दिन का टाइम लग जाता है प्रोसेस होने और होता है ये आप जानते हैं तो कोशिश करें कि रिफंड के चक्कर में अभी ना पड़े ये दैट इज नॉट अ राइट टाइम क्योंकि पूरा स्टाफ आप उसमें लगेगा क्योंकि बैलेंस शीट होती है उसमें मेंशन करना होता है आपको पता होगा अगर आप किसी भी कंपनी या बिजनेस को जानते होंगे स्टार्टअप को तो हर चीज काफी मल्टीपल स्टेप से होकर के जाती है तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट और एनर्जी पूरी डाइवर्ट होती है एंड ऑफकोर्स अगर हफ्ते भर से डेढ़ हफ्ते से ज्यादा हो गया है और कारण इन अननेसरी कारण दे रहे हैं जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई इमोशनल रीजन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर खड़ा हो पाऊं लेकिन जब हमारी आपसे बात ही नहीं हो पा रही तो मैं कैसे उसको समझ पाऊंगा कि क्या इशू आपकी है अब ऐसे में क्या होता है कि सर मैं एक दो हफ्ते से मैं मतलब सोचता हूँ रोज़ पढ़ने के लिए पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मेरा रिफंड कर दीजिए ये कौन सी बात होती है भाई रिफंड एकदम अजीब केसेस में यानी कि जहां पे पॉसिबल ना हो वहां करे जाते हैं है ना कहीं भी अगर कोई एक फैसिलिटी दी गई है तो उसको एक्सप्लॉयड नहीं किया जाता उसका यूज़ किया क्या वो इसलिए है ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि दैट मीन्स आई एम दैट द प्लेटफॉर्म दैट इज़ वेरी रिलायबल है ना करीब दो लाख के आसपास में रिफंड गए हैं आप सोच के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे जाएगा ये लेकिन कोशिश करें टू द पॉइंट रहें है ना टू द पॉइंट रहें समय को यूटिलाइज करें अपना और अननेसरी चीजों से लोगों की बातों से बचें अगर कोई इश्यू होगी ऑलमोस्ट मैं हर समय खड़ा हो पाऊंगा अगर हो सकता पाएंगे आप हमारे साथ में बट अगर कहीं दिक्कत हो तो ऑलमोस्ट आई एम देयर अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी की बात सर आ रहे हैं क्या पांच मिनट दे दीजिए नेक्स्ट देखते हैं मैंने जी टाइम बात हम लोगों ने करी ली है अब अगली बात आती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन व्हाट यू शुड डू यू शुड भी फॉलोइंग एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज वेर एवर यू फाइंड इट गुड ये मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है कौन सा है yeah, of course, provides. बहुत मेहनत से प्रोवाइड करती है, एक एक section में एक देती है जो कि कहीं नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आपको अगर कोई लगता है कि बेनिफिशियल है यू यू शुड गो फॉर दैट समय इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन नहीं जहां जाए पूरे सिद्दत से जाए और जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो इसमें प्रयास करें कि एक दिन में एक से दो सेक्शनल और हफ्ते में वीक में कम से कम दो फुल वीक में कम से कम दो फुल मॉक करने की कोशिश आपको करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स का क्या करूं सर मैंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया इन दैट केस यू शुड बी फॉलोइंग यूट्यूब बहुत जबरदस्त जबरदस्त टीचर है मैंने कई बार नाम भी बताया है लेकिन अब यहां नाम लेने थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही क्योंकि एक बार मैंने किसी और टीचर को बताया अगली बार किसी और टीचर को बता दिया बच्चे कंफ्यूज हो गए तो ऐसे मैं अवॉइड करता हूं लेकिन हाँ ऑफकोर्स इंग्लिश के भी टीचर मैथ्स के भी एक बार सर्च करोगे बहुत सारे मिलेंगे आपको और बहुत सारे रिलायबल मिलेंगे बहुत बढ़िया टीचर मिलेंगे और ऑफकोर्स आप पहले से जानते भी होंगे एसएससी का बैंकिंग का जैसा भी आपको लगे तो जो टॉपिक आपको दिखकर सिलेबस देखिए जो टॉपिक में दिक्कत हो रही है उस टॉपिक का लेक्चर देखिए फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए लिमिटेड टाइम देखिए कि कहां से आपको कॉन्सेप्ट बन जाए मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस पे दीजिए और प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई वर्क बुक भी ले लीजिए वर्क बुक आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड भी करते हैं आप कई सारे बुस अरिहत के बुक्स हैं बस थोड़ी हाथ दो मिल जाती है लेकिन टेंशन ना लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है कि उस किस लेवल के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस करिए अपने के हिसाब से तो करना क्या है दो सेक्शनल मॉक एक दिन में अगर दे रहे दो से तीन सेक्शनल मॉक मतलब मान लीजिए घंटे लगभग इसमें ऑन डेली बेसिस जाए और दो घंटे प्लस टू आवर्स इसमें जाए और प्लस एक आर्स ऐसा टाइम आपका होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि क्या क्या चीज जीएस वगैरह पार्ट है उसमें रिसर्च कर लें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें एटीसी के एओ के फायर ऑफिसर्स के नॉन टेक वाला पार्ट तो उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा देखो मैं पढ़ रहा हूँ ये सही है जो एक बार करेंगे क्वेश्चन लगेंगे कॉन्फिडेंस मिलेगा सेल्फ बूस्ट मिलेगा और वो धीरे 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 करके आपको समाप्त होता जाएगा और उसका रिजल्ट आपको पाँच से छह दिन बाद मिलता है अगर आपको लगता है कि सर मैं अकेला पड़ गया हूं मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा सहारा नहीं मिल पा रहा है देन ऑफकोर्स हम लोग हमेशा से खड़े रहे लेकिन इस बार थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो तो जा रही कि मैं समय ही नहीं दे पा रहा हूँ अपने बच्चों को भी तो जो कोर्स के बाहर के बच्चे हैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ बात कर लूँ लेकिन कैसे कर पाऊंगा आप सोचो तो नहीं हो पा रही तो एट द केस निराश एकदम नहीं होना है तो कोशिश करनी है कि जैसे मान लीजिए आपने सीजीएल ही पढ़ना शुरू कर दिया सीजीएल ही एक कॉन्सेप्ट से पढ़ते जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसके लिए ऑफकोर्स अपना प्लेटफॉर्म ही है यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन संडे संडे चलते ही हैं और लास्ट के पंद्रह सेशन जो प्रैक्टिस वाले होते हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं अब एक बार देख के देखिए किस फरवरी का एग्जाम हुआ उसके पहले जो हम लोगों ने सेशन लिए हैं एक बार देख के देखिए कितने क्वेश्चन एकदम हु ऐसे दिखे हैं क्योंकि गेट मन पॉइंट थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं आप करियर वे पे थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी कि मैं यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन भरोसा रखिए आ नहीं पा रहा हूँ रीजन है क्योंकि मेरा फोकस एडमिशंस पे नहीं अपने पास जो बच्चे उन पर अगर मेरी जगह कोई और प्लेटफॉर्म होगा तो आप देखेंगे एडमिशंस या ऐसे टाइम पे लगातार आता है ऑनलाइन ठीक है बस आप थोड़ा सा अगर हमारा नजरिया देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि कहां पे किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात नहीं है या आप जानते हैं तो कोशिश करें जब भी अगर हमारे साथ जुड़ें थोड़ा सपोर्टिव माइंड से जुड़ें और कोशिश करें कि द मैक्सिमम आउट ऑफ इट आप डिराइव करके लेके जाए लेकर के जाएं और ऑफ कोर्स हमारी जो कुछ भी इमेज है वो सिलेक्शन से है आप जानते हो तो सलेक्शन हमें देने की कोशिश करिए ये रिक्वेस्ट है और कैसे देंगे आप हर कंटेंट के लिए जिम्मेदारी मेरी रहेगी गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरी रहेगी मेहनत की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए और पूरे श्दत से होनी चाहिए पचास दिन मान लीजिए कि आपका कालावास चल रहा है कालावास समझते हैं काले पानी की सजा से होती थी पचास दिन आपको पचास दिन आपके तपस्या के हमें चाहिए पचास दिन आप चार से पांच घंटे अनइंटरप्टेड एवरेज आपका डेली का आना चाहिए अगर ऐसा करके आप हमें पचास दिन अगले देते हैं हो सकता है अगले दस दिन ना हिसाब किताब आपका बन पाया थोड़ा अप डाउन रहे लेकिन जब ठान ही लेंगे मन में कि हमें करना है सुबह जब दस सेकंड के लिए बुक खोलिए लगता है नहीं खोलने मन है नहीं मन कर रहा पढ़ने ऐसे खाली बुक खोल दीजिए और आप पाएंगे धीरे धीरे मन उसमें लग जाता है एक क्वेश्चन पढ़ने करिए टारगेट दो क्वेश्चन मैं करूंगा उसका बंद कर दूंगा आप पाएंगे कि आप पचास क्वेश्चन करके उठेंगे करके देखिए शुरू करिए बैठ जाइए बुक के साथ बस इतना करना है दस दिन ऐसा करिए ग्यारहवें दिन से आप ऐसा करता हुआ पाएंगे एंड ऑफकोर्स रिजल्ट इसी से आता है इसी मोटिवेशन इसी गाइडेंस से आता है जो कि मैं कोर्सेज में देता हूं और यहां पर देता हूं तो एक प्रवचन का बात हो जाता है बहुत सारे अभी देखिएगा इस वीडियो पर कमेंट्स भी आएंगे जो शायद डिमोटिवेटिंग हो हरेशिंग भी हो अपने प्लेटफॉर्म के लिए बट ऑफ कोर्स आई डोंट बॉदर फॉर देम उनसे मैं बॉदर नहीं होता हूँ उनसे भी बड़े सज्जनता सुशीलता से बात करने की कोशिश करता हूँ कॉल करने की कोशिश करता हूँ कई बार आप लोग कमेंट्स देख करके मैं फिर जाता हूँ अपने कोर्सेज में चेक करता हूँ वेदर ही इज इन द कोर्सेज और शायद हो सकता है उसके साथ कोई इशू रही

जो कहता है कि मैं सिलेक्शन के बाद पैसा दे दूंगा सिलेक्शन हमने बहुत सारे दिए हैं अब तो लगभग तीन से ज्यादा सलेक्शन हुए हैं लेकिन आप देखेंगे कि कोई बच्चा दोबारा आके मतलब तो आते हैं बच्चे ऐसी बात नहीं मिलने सिलेक्शन के बाद में लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं आते हैं ठीक है और फिर भी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ बीच में हाल चाल लेने की कोशिश करता हूँ ऑल दो दे कट दैट देयर फोन और जवाब ऐसे से मिल जाते हैं जो बड़ी परेशानी होती है कि सर तो पैसा नहीं दिए थे क्या हम मतलब कोर्स का दिए तो थे ना तो क्रेडिट आपकी कैसे और जान के हैरान हो जाएंगे अलाहाबाद ट्रेनिंग सेंटर पे तो दस में से छह बच्चा मिला है जो कि कैरियर वेब से पढ़ा है ठीक है और उसके बावजूद भी देखेंगे कि वो ऑनलाइन आने से कतराते हैं ठीक है आप भी अपने आसपास में अगर कोई बच्चा आपका ए से संबंधित एग्जाम दे रहा हो उससे एक बार कैरियर वेब और मेरा नाम जोड़ करके पूछेगा और आप पाएंगे कि ज्यादातर केसेस में वो हमसे जुड़ा रहा होगा पढ़ा रहा होगा YouTube पे ना एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग फ्लॉप लोग हैं ये मतलब है कि हम लोग अपने कंटेंट को लेकर सीरियस लोग हैं यहां पे नहीं आ पाए अगर मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ तो इसको आप प्रवचन के तौर पर न लीजिएगा क्योंकि कई बार आपके कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि इतना लंबा लंबा सेशन लेकर के आप टाइम पर बात करते टाइम नहीं ये जब परेशान मैं हो जाता हूँ तब आता हूँ आपसे बात करने के लिए और ऑफ कोर्स उससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है कोर्सेस में मैं देखता हूँ बच्चों का पूरा बिहेवियर बदल जाता है और वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं उस चीजों को हमारे समझ पाते हैं तो इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू कन्वे द मैसेज फॉर टू आवर स्टूडेंट्स और ऑफ कोर्स अगर आप बैचेस में नहीं है देन फॉर यू गाइज ऑल्सो पर कभी भी किसी चीज़ को लेके हार्ट ना हो मेरी कभी कामना नहीं है कि आपको किसी तरीके से मैं हार्ड करूं मेरा कामना है कि आप सक्सेसफुल हो चाहे यूट्यूब के जरिए आप क्लासेस लेकर के चाहे ऐप के थ्रू क्लासेस लेकर के अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई तो मैं वहां पर खड़ा रहूं हूँ ऑफकोर्स थोड़ी सी हमारे पास में मैन पावर की कमी रही है अगर आप सपोर्ट कर पाए आपके जानने पहचानने में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हो अच्छा स्टूडियो मैनेजमेंट टेक्निकल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी रखता हो देन ऑफकोर्स यू कैन रिफर देम टू मी डेली दस दस लोगों का इंटरव्यू देकर लेकर के ले करके, दो दो घंटे पर बात करके नतीजा मिलता है कि एक बंदा उसमें काम का नहीं होता जो दो दिन टिक पाए यू गेट माई पॉइंट बस सैलरी की बात होती है कि सर कितना देंगे आप ये बात नहीं होती कभी कि मैं कितना कर पाऊंगा है ना ऑफकोर्स वी पे अ वेरी गुड अमाउंट डिसेंट अमाउंट लेकिन बस वही है कि हम सर्वाइव कर पाए आपके साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टीट्यूट में जुड़े तो इंस्टीट्यूट को ऐसे फैमिली जुड़े और हम लोग जबरदस्त करते हैं हर चीज में झंडे गाड़ते हैं बस उसका भुना नहीं पाते उसका डिडोरा नहीं पीट पाते ठीक है तो दैट ऑल फॉर द सेशन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फॉलो दिस सिंपल सिंपल स्टेप्स ठीक है इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें और वीकली फुल मॉक दें प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहें और ज्यादा लेक्चर्स के टाइम पे में बर्बाद ना करें टाइम और ऑफ कोर्स कभी कभी क्लासेस जो हमारी कोर्स में जा रही हैं वो आगे पीछे हो जाती है उसके लिए परेशान मत हो कोशिश हमारी रहती कि डिसेंट रहे जैसे इंग्लिश क्लास नौ से दस फिक्स है कभी नहीं बदलने वाली दस के बाद में जो आपकी क्लास होगी मैथ्स की जाहिर जहिर इंग्लिश क्लास अगर लंदी खींची जिस जिस समय खत्म होती इंग्लिश तुरंत ही मैथ्स स्टार्ट हो जाती है मैथ्स खत्म होते होते थोड़ा लेट हो जाता है तो साइंस उस समय ना होकर के पहले ही ये मिलने शुरू हो जाएगी यानी स्टार्टिंग सेशन में हम लोग साइंस और करंट अफेयर्स देने कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स में यूट्यूब पे देना चाह रहा था लेकिन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस अपनी चली होती हैं आप तो अपने बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे कि करंट में जाऊँ कि इसमें जाऊँ तो इस वजह से मैं करंट यूट्यूब पर नहीं दे पा रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में उठने की लेकिन क्या करूँ मॉर्निंग वेस होता ही हूँ पर मेरा वादा है कि मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब रेगुलर कर पाऊं ओके और चीजें अनवरत वैसे चलेंगी ठीक है जैसे पांच से, आप, से सात के बीच में ठीक है पांच से सात के बीच में आपको जीएस में साइंस वाला हमारा वाला पोर्स मिलेगा दैट इज डेडिकेटेड स्लॉट फ्रॉम मी एंड सेवन टू एट आपकी रीजनिंग वाली क्लास होगी आठ से नौ आपकी अभी पॉलिटी चल रही है ठीक है नौ से दस आपकी इंग्लिश चलेगी अनवरत इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और दस के बाद जब भी इंग्लिश खत्म होगी उसके बाद से ग्यारह बजे तक आपकी मैथमेटिक्स चलेगी और इतना क्लास बहुत होता है अगर कोई भी क्लास जीएस की अप डाउन हो टेंशन मत लीजिए जैसे एक क्लास एक दिन प्रॉमिस हुई थी दो दो क्लास तीन तीन क्लास करंट अफेयर में आके हम लोग दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए बहुत ज्यादा टाइम उस पर कंज्यूम मत करिए अपना कोशिश करिए उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखने के करंट बाद में देख लीजिए पीडीएफ देख लीजिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपको रहेगा काफ़ी हेल्पफुल वो रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय ऑनलाइन बिताने के बजाय लेक्चर देखने बताने के बजाय प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें जी अगर यहां से देखेंगे दिस इज द प्लान जो कि अनवरत बिना डिस्टरबेंस के आपको दिखेगा हमेशा दिखेगा इससे मेरा वादा है और इसमें आपको याद नहीं होगा यकीन नहीं होगा कि लखनऊ में जबरदस्त बारिश हुई एक दिन कोई फैकल्टी नहीं पहुंच पाया और लाइट पावर कट हो गई थी तो हम लोगों ने रिकॉर्ड सेशन तो दिए थे लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो गए थे तो इन दैट केस हम लोगों ने एक जनरेटर जो है किराए पर लेकर के पूरा अगले दिन क्लास कराई कल कितनी बारिश हो रही थी फिर भी क्लासेस सारी की सारी मैंने दी हैं हाँ पॉलिटी की क्लास थोड़ी लेट हो गई तो उसको रिकॉर्डेड वर्जन में दिया लेकिन हर वो चीज पे आप नहीं समझते हैं कि कितना मैं खड़ा पाऊंगा समझते हैं आप लोगों ऐसी बात नहीं है पर मैं जान लगा देता हूं उसके लिए रात में ग्यारह बजे से लेकर के जब भी मैं फ्री होता हूं उसके बाद से लेकर के सुबह छ छः सात सात बजे तक आप लोगों के मैसेज रिप्लाई या कॉल्स पे बात हमारी होती है बट कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए आपके नर्वस ब्रेकडाउन को बचाने के चक्कर में तो अपनी भी केयर करें हमारी भी केयर करें अपने आसपास पास के लोग केयर करें मोटिवेटेड रहें कम्युनिटी में अननेसरी पोस्ट जो भड़काने वाले हों या मनोबल गिराने वाले हों ऐसे पोस्ट करने से बचें दैट इज फ्रॉम माई साइड अपने हेल्थ का अपने आसपास के लोगों का हेल्थ का ध्यान रखें और ऑफकोर्स पचास दिन आपके के हैं और आपसे ही हमारी उम्मीदें हैं दूसरों से नहीं जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे हैं और जितने लोग कोर्सेज में हैं जितने लोग आप यूट्यूब भी कहीं से देख रहे हैं आप लोगों से ही हमारी उम्मीदें हैं आप लोगों से ही अपना परचम बनता है हर बार बनता है इस बार ही बनेगा हर वो चीज़ जो आप अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम करके दिखाएंगे आपको हर बार दिखाते हैं इस बार भी दिखाएंगे शुरुआत में हमेशा डिले हर प्लेटफॉर्म में मिलती है हमारे चैनल्स पे कभी आपके कमेंट्स ब्लॉक नहीं होंगे हमेशा कमेंट्स ओपन रहेगा चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कम्युनिटी ग्रुप पे भी कमेंट हमेशा ओपन रहते हैं जबकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब हर प्लेटफॉर्म को बंद रहता है मेरा खुला रहेगा आपकी हर मैसेज को मैं देखता हूं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे हमसे कम्युनिकेट कर पाए कोशिश करें कि जब भी मैसेज करें व्हाट्सअप करें तो इसी वाले पे करें नाइन एक ही पे करेंगे तो रिप्लाई करना आसान होता है अब आप लोग हमारे नंबर पे फिर नाइन फाइव पंचानवे निन्यानवे वाले पे करेंगे फिर इस पर भी करेंगे टेलीग्राम पे भी करेंगे फिर इंस्टाग्राम पे फिर मेल पे भी करते हैं फिर फेसबुक पे भी कर देते हैं इतनी जगह करेंगे छूट तो जाएगा ही क्योंकि मैन पावर कम और मैसेजेस ज्यादा कोशिश करें यही एक नंबर लें इसी पर रिप्लाई करें क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इसी नंबर की रहती है और मैंने बात करी है कुछ प्लेटफॉर्म्स की जो आई वी आर सपोर्ट देते हैं जो छः छः चैनल्स देते हैं कॉल के लिए ऑल ऑल दो दे आर वी ओ आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल लेकिन हमने देखा उनका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसको ले आऊँ ताकि आप लोग की सुविधाएं वैसे ही हो जाए काम की जानकारी ऐसे ही आपको मिल जाए ज़्यादा दिक्कत ना हो और उसमें रिकॉर्डेड डेटाबेस भी रहता है फीडबैक सिस्टम भी रहता है तो ला रहा हूँ लेकिन बहुत कॉस्टली आपको कुछ पता होगा कि इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होते हैं कितने कॉस्टली होते हैं लेकिन बस वही है कमिटमेंट पे पूरा पढ़ना है तो मैं करके दिखाऊंगा आपको वो भी लेकिन तब तक के लिए क्या करें इस पर ही व्हाट्सएप करने की कोशिश करें इस पर ही कॉल करें एक ही चैनल पर हमारे नंबर पर या टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या मेल uh, पे या बाकी जगहों पे हर जगह मैसेज वही चिपकाने से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि एक बार यहां पे टाइम जाता है फिर वही मैसेज वहां दिखता है भूल जाता है ऑफकोर्स मैसेज रिप्लाई करने चक्कर फिर वहां भी रिप्लाई में टाइम जाता है एक जगह करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके चीजों पर खरा उतर पाऊं डैट वॉज ऑल्व फॉर टूडे विशु द बेस्ट मेहनत करिए और हमारा नाम बचाइए और अपना नाम बनाइए ओके okay? ताकि आपके नाम से आपके कॉन्फिडेंस से आपके सेलेक्शन से हम लोग भी ग्रो हो सकेंगे हम लोगों ने केवल देखा है एक एक ही चीज कि आपकी सक्सेस हमारा जो रहे वो मोटो बन पाए कोई भी अर्निंग का कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं आप पाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसमें आपको एक जरा सा भी लगे कि ये पैसा बनाने के लिए आया है तो ऐसे कमेंट करने से बचे बहुत दुख होता है वो देख करके मैंने एक दो देखे तो काफी लगा मैंने बात भी उनसे करी और कभी भी अगर जब तक आप हमसे एक बार कम्युनिकेट ना कर लें तब तक कहीं भी कमेंट ना करें जैसे आपने कॉल किया नहीं उठा आप जाके कहीं प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर दिए कि इन लोग का फीडबैक सिस्टम खराब है ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा नहीं है हम आपसे बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं आपको ये चीज पता है तो पहले एक बार बात कर लीजिए फिर जाके कहीं पोस्ट करिए हम आपको कभी नहीं मना करेंगे आप कुछ भी कर दीजिए लेकिन बिना मुझसे बात किए बिना जाने चीज को आप न्यूज पेपर में एड निकलवा देंगे तो गड़बड़ तो है ना ये आप किसी से पूछिएगा सो दैट इज ओनली रिक्वेस्ट आप करना चाहें तब तो भी कर सकते हैं जस्ट रिक्वेस्ट कि आप ऐसा करने से थोड़ा सा बचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वॉज ऑल फॉर विशु द बेस्ट बाय